नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण को ये आदियोगी रामायण के हर किरदार की छवि आज भी हमारे जीवन में ताजा है। रामायण की हर किरदार की अदाकारी और उसके डायलॉग आज भी हमें याद हैं। पुराने कलाकारों की चर्चा तो हम अक्सर करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण के रावण की। क्या आप जानते हैं कि रामायण का वह ऐतिहासिक किरदार किसने निभाया था और आज वह कलाकार कहाँ है? दोस्तों, रामानंद सागर की रामायण में रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया था। पहाड़ जैसा शरीर और गरजती आवाज बाल, उस रावण की छाप अरविंद त्रिवेदी पर ऐसी पड़ी कि वह आज भी रावण के नाम से जाने जाते हैं। टीवी पर लंका नरेश की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी पर अपने काम की ऐसी छाप पड़ी कि रामायण के बाद उन्हें खलनायक के रोल ही मिलने लगे। अरविंद त्रिवेदी के बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती थिएटर के जाने माने कलाकार हैं। अपने भाई को ही देखकर अरविंद त्रिवेदी एक्टिंग की लाइन में आए थे। अरविंद त्रिवेदी ने रंगमंच पर काफी दिनों तक काम किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरविंद त्रिवेदी ने रामायण के अलावा गुजराती और हिंदी में लगभग 300 फिल्में की हैं। रामानंद सागर ने रावण के किरदार के लिए करीब 300 कलाकारों का ऑडिशन लिया था। अरविंद त्रिवेदी ने जैसे ही रावण का गेटअप लिया, रामानंद सागर ने तुरंत ऐलान कर दिया कि तुम ही मेरे रावण। अरविंद ने रामायण के बाद विश्वामित्र नाम का एक धारावाहिक भी किया था, लेकिन 90 के दशक में ही अरविंद त्रिवेदी ने टीवी से दूरी बनाकर राजनीति में कदम रख दिया। 1991 में अरविंद त्रिवेदी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। वर्तमान में अरविंद त्रिवेदी तीर्थ यात्रा करने वाली लोगों की सेवा करते हैं और अपना ज्यादा समय भगवान राम की भक्ति में लगाते हैं। पीवीपी न्यूज सबसे आगे। अन्य रोचक खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।